इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम आईफोन में जो है फ़ोटो को कैसे जोड़े, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक फ़ोटो रहता है हमारे, उसके बराबर में एक और फ़ोटो, तो उस फ़ोटो को हम कैसे अपने आईफोन में एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको ऐप स्टोर पर जाना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपको सर्च करना पड़ेगा एप्लीकेशन। यहाँ पर आप टाइप करिएगा पिक आर्ट, ठीक है? पिक आर्ट आप सर्च करिए और ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसे डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कर लीजिए और फिर ओपन कर लीजिए। इसमें एक आईडी बना लीजिए, वो बना लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने डायरेक्ट ओपन कर लीजिए। फ़ोटो से फ़ोटो को कैसे जोड़ें, देखिए यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाइए, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको दिख जाएंगे यहाँ पर फोटोज़ एल्बम, माय एल्बम को खोलिए, और या फिर आप जो है यहाँ पर फोटोज़ पर डायरेक्ट एक फ़ोटो को खोल लीजिए। यहाँ पर ये फ़ोटो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट बना लीजिए ओपन करने के बाद, और ये चल जाएगा। और यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाने के बाद आपको एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर इस फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सिलेक्ट हो गया ये। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और फ़ोटो ऐड करने के लिए यहाँ पर जाते हैं हम ऐड फ़ोटो पर, और यहाँ से एक और फ़ोटो को हम जो है ऐड कर लेते हैं। जैसे यही वाले फ़ोटो को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर ऐड पर टिक करते हैं, और यहाँ पर फिर इसे हम जो है बड़ा कर लेंगे यहाँ पर, जितने साइज पर हमें रखना है। जैसे यहाँ पर ये ऐड हो गया, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको और कस्टमाइज़ करना है तो वो आप इस सेक्शन में कर सकते हैं। बैकग्राउंड, ऑल बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर सही तरीके से इफ़ेक्ट वगैरह लगे वो लगा लीजिएगा, एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से हम फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको पता चल गया हो कि आईफोन में फ़ोटो को किस तरीके से ऐड करते हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।